हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स पॉइंट। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्टिविटी रेशियो के बारे में। एक्टिविटी रेशियो को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं इसको एफिशिएंसी रेशियो भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इन्हें एफिशिएंसी रेशियो, क्यों ये टर्नओवर रेशियो के नाम से जानी जाती है, आइए डिस्कस करते हैं डिटेल में। दरअसल जो टर्नओवर रेशियोज़ हैं वो मेजर करती है स्पीड, किस स्पीड के साथ हम एसेट्स को कन्वर्ट कर देते हैं अपनी सेल्स में। एग्जांपल के लिए स्टॉक क्या है, हमारी करंट एसेट है। स्टॉक को हम कितनी जल्दी से कितनी स्पीड के साथ सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, इस स्पीड को मेजर करती है हमारी टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो एफिशिएंसी को चेक करेगी कि किस एफिशिएंसी के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फर्म अपनी एसेट्स को मैनेज कर रही है। ये रिलेशनशिप एक्सप्रेस करती है सेल्स एंड इन्वेस्टमेंट के बीच में, इन्वेस्टमेंट इन वेरियस एसेट्स। दरअसल टर्नओवर रेशियो जो हम कैलकुलेट करेंगे वो हर रेशियो हम सेल्स के थ्रू ही कैलकुलेट करेंगे और सेल का रिलेशनशिप बताएंगे अलग अलग एसेट्स के साथ। एसेट की कैटेगरी में हम फिक्स एसेट को भी ले सकते हैं, करंट एसेट्स को भी ले सकते हैं, तो इनके बीच में रिलेशनशिप को हम स्टडी करेंगे टर्नओवर रेशियोज में। तो इसमें हमने चेक किया एफिशिएंसी के बारे में, किस एफिशिएंसी के साथ हमारी मैनेजमेंट रिसोर्सेज को मैनेज कर रही है, इसीलिए इस रेशियो को एफिशिएंसी रेशियो कहते हैं। टर्नओवर का मतलब है कन्वर्ट हो जाना, तो कितनी जल्दी कितनी स्पीड के साथ हमारी फिक्स एसेट कन्वर्ट हो जाती है सेल्स में, कितनी जल्दी से हमारी करंट एसेट में जैसे कि स्टॉक कितनी जल्दी से वो कन्वर्ट हो जाता है सेल्स में, इस चीज़ को हम चेक करते हैं। इसलिए एक्टिविटी रेशियो को टर्नओवर और एफिशिएंसी रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस कैटेगरी में हमारे पास ये 5 रेशियोज आएंगी, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो एंड फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक मतलब हमारी इन्वेंट्री, कितनी जल्दी किस स्पीड के साथ हमारी इन्वेंट्री जो है वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, इस चीज़ को हम मेजर करेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो में। इट मेजर हाउ क्विकली द स्टॉक इज कन्वर्टेड इनटू सेल। अगर तो हमारा बड़ी जल्दी के साथ कन्वर्ट हो जाता है स्टॉक सेल में, इसका मतलब हमारी जो मैनेजमेंट है वो बड़ी अच्छी है, स्टॉक को वेयर हाउस में लगने ही नहीं देती। जैसे ही सामान बनकर तैयार हुआ, फिनिश स्टॉक बनकर तैयार हुआ और जल्दी से उनकी क्या हो जाती है, सेल हो जाती है। तो लोअर रेशियो इंडिकेट करती है ब्लॉकेज, कि बहुत सारा सामान जो है वो हमारे गोदाम में इकट्ठा है। लेकिन अगर स्टॉक टर्नओवर रेशियो हाई है, ये शो करती है कि जैसे ही सामान बनकर तैयार होता है वैसे ही उसकी सेल हो जाती है। इसका मतलब अगर स्टॉक टर्नओवर रेशियो हाई होती है तो उसे हम मानते हैं कि कंपनी की मैनेजमेंट बड़ी एफिशिएंट है, बड़े अच्छे तरीके से वो इन्वेंट्री को कंट्रोल कर रही है। तो हायर रेशियो को प्रेफर किया जाता है, ये एक बढ़िया कंडीशन होती है। कैसे कैलकुलेट करना है, बहुत ही आसान है। हम कॉस्ट ऑफ गुड्स को कैलकुलेट कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऊपर रखें और एवरेज इन्वेंट्री नीचे, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालना है, आपके पास ट्रायल बैलेंस गिवन होगा पेपर में। ट्रायल बैलेंस में से आप ओपनिंग स्टॉक लीजिए, परचेजेस लीजिए, सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लीजिए, माइनस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक को, तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आपने ऊपर रखना है, नीचे लेनी है एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री किसकी इक्वल है, एवरेज इन्वेंट्री इक्वल होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस
क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड कर दो टू के साथ, ओपनिंग और क्लोजिंग को जब आप ऐड करके दो के साथ डिवाइड कर दोगे तो आपके पास एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। तो इस तरह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ऊपर रखिएगा, एवरेज इन्वेंट्री को नीचे, दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगी स्टॉक टर्नओवर रेशियो। और याद रखिए, हायर जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है उसको हम बेटर मानते हैं, लेकिन ये रेशियो बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हाई का मतलब ये है डिमांड कस्टमर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन आपकी प्रोडक्शन की स्पीड जो है स्लो है, तो ना तो बहुत ज़्यादा कम हो ना ही एक्सेसिवली हाई हो। डन, आगे चलते हैं। इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड, ये एवरेज टाइम कैलकुलेट करेगा। पीरियड, पीरियड का मतलब है टाइम, तो ये टाइम कैलकुलेट करता है। ये इसका आंसर जो है डेज में आएगा, ठीक है। और ये टाइम कैलकुलेट करेगा कि किस टाइम के अंदर अंदर, कितने दिन के अंदर अंदर हमारा स्टॉक जो है वो सेल हो जाता है। कैसे कैलकुलेट करना है, पीछे आपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट की है, बस उसी रेशियो को पहले आप कैलकुलेट कीजिएगा। ऊपर रखना है आपने 12, अगर मंथ्स में कैलकुलेट करना है तो 12 लीजिए, अगर डेज में कैलकुलेट करना है तो 365 ऊपर रखिए, डिवाइड कर दिए उसको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के साथ। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ कि जितनी भी टर्नओवर रेशियो होती है उसका आंसर हम टाइम्स में निकालते हैं, जैसे 4 times, 6 times, 5 times, इसका मतलब साल में 4 बार आपका स्टॉक जो है वो सेल में कन्वर्ट हो रहा है, साल में 5 बार आपका स्टॉक जो है सेल में कन्वर्ट हो रहा है। डन, आगे है डेटर टर्नओवर रेशियो। अब हमारे डेटर्स क्या है, डेटर्स होते हैं हमारी करंट एसेट, ये वो कस्टमर है जिनको हमने क्रेडिट के ऊपर सेल कर दिया। हमसे ख़रीदने आए कोई सामान, हमने कहा ले जाओ भी, पैसे अभी नहीं, पैसे आप हमें बाद में दे देना, तो वो हमारे क्या हो गए, वो हो गए करंट एसेट्स हो गए। अब ये रेशियो हमें बताएगी कि करंट एसेट आपकी कितनी जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाती है। तो इट मेजर नंबर ऑफ टाइम्स द कैश इज कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, साल में कितनी बार आप अपने डेटर से कैश को कलेक्ट कर लेते हैं। ये रेशियो भी अगर हाई होगी तो इसका मतलब कि हमारी मैनेजमेंट सही तरीके से क्रेडिट को कलेक्ट कर रही है, कस्टमर से पैसे जो है लेकर आ रही है। अगर ये रेशियो लो है इसका मतलब आप तो जाते हो कस्टमर से पैसे कलेक्ट करने के लिए लेकिन कस्टमर आपको पैसे नहीं देते। अगर आपके पास कैश नहीं होगा आप फर्दर स्टॉक नहीं खरीद सकते, आपकी प्रोडक्शन रुक जाएगी। इसलिए अगर डेटर टर्नओवर रेशियो हायर होती है तो ही आपके लिए एक अच्छी कंडीशन है। कैसे कैलकुलेट करना है, बहुत ही इजी है। हर एक टर्नओवर रेशियो जो है वो सेल के साथ ही रिलेशन बताएगी, लेकिन डेटर कब बनते हैं, जब हमारी क्रेडिट सेल्स होती हैं। तो नेट क्रेडिट सेल आप ऊपर लोगे, डिवाइड कर दोगे एवरेज डेटर्स के साथ। एवरेज डेटर्स कैसे आएंगे, आपके पास ओपनिंग डेटर्स होंगे क्वेश्चन में, क्लोजिंग डेटर्स होंगे, दोनों को ऐड कीजिए और डिवाइड कर दीजिए टू के साथ, तो आपके पास आ जाएगी डेटर टर्नओवर रेशियो। और एवरेज कलेक्शन पीरियड, मतलब कि साल में कितनी बार, कितने टाइम पीरियड के बाद आपको डेटर से पैसे मिल जाते हैं, तो ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 12 ऊपर रखेंगे, 12 months, और अगर डेज में कैलकुलेट करना है तो 365 डिवाइड कर दो उसको डेटर टर्नओवर रेशियो के साथ। डन, आगे है क्रेडिटर्स टर्नओवर। अब क्रेडिटर हमारी क्या होती है, क्रेडिटर हमारे होती है लाइबिलिटी। क्रेडिटर तब हमारे बनेंगे जब हमने किसी से सामान क्रेडिट पर ख़रीदा है। आप जब अपने सप्लायर से सामान क्रेडिट पर ख़रीद लेते हो, आप उनको पैसे नहीं देते, रॉ मटेरियल ले आए क्रेडिट पर पैसे नहीं दिए, तब आपके बन जाएंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो जो है अगर हाई होगी, इट मीन्स कि लोअर द पेमेंट पीरियड ग्रांटेड बाय द सप्लायर, यानी कि सप्लायर जो है आपको ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं दे रहे, आपको जल्दी जल्दी सप्लायर को पैसे
पे करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब कि आपके हाथ में कैश ज़्यादा होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये तो दिक्कत वाली बात है। इसका मतलब कि अगर क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो लोअर होगी तो हमारे लिए बेटर होगा। तो इस तरह से डेटर टर्नओवर रेशियो और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो जो है ये उल्टी होती हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। डन। कैसे कैलकुलेट करना है? क्रेडिटर कब बने? जब मैंने क्रेडिट पर परचेजेस की, तो क्रेडिट परचेजेस ऊपर रखिए, एवरेज अकाउंट पेबल, एवरेज क्रेडिटर्स नीचे रखिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। अब एवरेज अकाउंट पेबल्स कैसे निकालना है? वैसे ही जैसे एवरेज डेटर्स निकालना था, बट उसमें ओपनिंग क्लोजिंग डेटर्स लिए, यहाँ पर आप लीजिए ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर्स। डन। उसके बाद आ जाती है वर्किंग कैपिटल रेशियो। अब सबसे पहले हम देखते हैं वर्किंग कैपिटल क्या है। वर्किंग कैपिटल डिफरेंस होता है हमारा करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा है वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या करती है? ये हमें बताती है कितनी एफिशिएंसी के साथ हमारी मैनेजमेंट वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर रही है। कैसे कैलकुलेट करना है? बहुत सिंपल, दोबारा से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऊपर लीजिए, एवरेज वर्किंग कैपिटल नीचे लीजिए। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं होता, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन और सिर्फ सेल्स की इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो आप सेल्स के साथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डन। नेक्स्ट है हमारे पास फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। ये बताएगी कि हम कितनी अच्छे तरीके से अपनी फिक्स एसेट्स को यूज़ कर रहे हैं। कैसे कैलकुलेट करना है? यहाँ भी सेम, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऊपर लीजिए, नीचे ले लीजिए नेट फिक्स्ड एसेट्स को, तो आपके पास आ जाएगी फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।